ओम प्रकाश तिवारी, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी नगर विधानसभा। क्या कहेंगे आपके पार्टी का, किस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जनता से मिल करके आप लोग क्या करने वाले? ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उसी परिपेक्ष में अब इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसमें, हम बता रहे हैं, जिसमें प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर जाने की जिम्मेदारी होगी, और जो सरकार गलत नीतियां हैं, जो 4 वर्ष के लिए नौकरी दे रही है अग्निवीर की, युवाओं को युवा बेरोजगार है, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग युवाओं से बात करेंगे, नौजवानों से बात करेंगे, किसानों से बात करेंगे कि खेती की क्या आपकी आय दुगनी हुई, कहीं दुगनी नहीं हुई है आय, इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। कल कैसा कार्यक्रम? कल यहाँ शहीद मंगल पांडे की जयंती मनाई जाएगी, महात्मा गांधी की शहादत दिवस है, तो नगवा में प्रत्येक वर्ष होता है, इस साल भी कार्यक्रम होगा। हम लोग सेनानियों को सम्मानित करेंगे, सेनानी के उत्तराधिकारी को सम्मानित करेंगे, प्रबुद्ध वर्ग को सम्मानित करेंगे, और माल्यार्पण करने के पश्चात हम लोग निकलेंगे। हम लोग अपना इसमें लोगों से मिलने जुलने आगामी कार्यक्रम को लेकर के जनता से क्या कहेंगे, जो कल आगामी कार्यक्रम है गांधी जी और साहब? हम कहेंगे कि भाई आप आइए, सहयोग करिए गांधी जी की, जो जिस काम के लिए शहादत हुई। आज देश में एक गोडसेवादी लोग हैं जो हिंदुत्व का राग अलाप रहे हैं। हिंदुत्व देश में बहुत पहले से हिंदुत्व है, सनातन धर्म बहुत पहले से है, हजारों हजार वर्ष पुराना हमारा धर्म है, हिंदुत्व है, हम कहीं रास्ता से नहीं भटके हैं। ये सरकार, ये पार्टी भाजपा हम लोगों को भटकाना चाहती है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जिस प्रकार से सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान से रामचरित मानस पर आया है, अभद्र टिप्पणी के रूप में?